हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कल का एक दिन पहले का कि जो अपन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन ड्रॉ की थी उस पे मार्केट ने क्या मूव दिया। तो अपन देख रहे हैं 28 नवंबर, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए 28 नवंबर 2024। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर, तो हम एक दिन पहले का आकलन कर सकते हैं कि मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने किस तरीके से काम किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने जो सपोर्ट और मैंने रेजिस्टेंस की जो लाइन बनाई है इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसने वर्क किया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मार्केट ऊपर निकला 52,667 से, और नीचे आते हुए देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने ये सपोर्ट लिया। ये देखिए, और यहाँ पर लेने के बाद ये धीरे धीरे नीचे गया। जब मार्केट दोस्तों नीचे गिरता है तो फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन होता है जो उसको तोड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप अगर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे इस लाइन पर इसने देखिए 2 कैंडल बनाई है। मतलब ये सपोर्ट कह लीजिए या रेजिस्टेंस कह लीजिए, इसने अच्छा काम किया है। दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर इसने 3 कैंडल बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं, यहाँ पर देखिए इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है दोस्तों, सॉरी हैमर बनाया है। तो हैमर बना के देखिए यहाँ पर इसने 52,154 का लाइन इसने टच किया है। दोस्तों मैं पहले जो मेरे 2 वीडियो बने हैं उसमें थोड़ा क्लियरिटी कम आई थी, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में अच्छी क्लियरिटी आए। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, मैं इसकी थोड़ी और रेजोल्यूशन बढ़ा के इसकी वीडियो को ये रेजुलेशन बढ़ा के और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको जो देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से अच्छे से काम किया है। यहाँ पर देखिए इसने हैमर बनाया है, हैमर बनाने के बाद दोस्तों उसी लाइन पर इसने 52,126 की लाइन को टच किया है। और देखेंगे दोस्तों पूरा मार्केट पूरे दिन दोस्तों इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों को अच्छे तरीके से इसने टच किया है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसने ये हैमर टाइप का बनाया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसने अच्छे तरीके से हैमर टाइप का बनाया है। पूरा मार्केट देखिए दोस्तों इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम करता रहा है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर नीचे गया है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे जाने के बाद, नीचे की लाइन मैंने आपको बताई नहीं थी, ड्रॉ नहीं की थी सपोर्ट, क्योंकि मार्केट इतना नीचे जाने का वो नहीं था। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने किस तरीके से, आप देखेंगे तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज है दोस्तों 29 नवंबर 2024। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं दोबारा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करूँगा, तो लेकिन फिर भी देखेंगे मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों पर ही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों जब अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बना लेते हैं तो ये दोस्तों उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों पर काम करता है। लेकिन आज मैं दोबारा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी बनेंगे मैं आपको बताऊँगा। पहले हम अभी बैंक निफ्टी में देख रहे थे, 1 मिनट का चार्ट था दोस्तों ये, तो 1 मिनट के चार्ट पर ही मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो अब निफ्टी 50 और देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये निफ्टी 50 ओपन कर लिया है। तो अपन पिछले एक दिन में जाते हैं 28 तारीख में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 तारीख, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर अच्छे तरीके से काम किया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये देखिए 28 नवंबर 2024, तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों इसने अच्छा वर्क किया है। और देखिए सबसे ऊपर की ये रेजिस्टेंस को 24,324 को टच करके मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया। देखिए दोस्तों मार्केट थोड़ा फेक ब्रेकआउट देता है, और देने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको फेक ब्रेकआउट दिया है, नीचे की तरफ गया है, ये फेक ब्रेकआउट कहते हैं इसको। उसके आने के बाद मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने ये देखिए ये 24,219 के लेवल पर 3 कैंडल बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने बढ़िया अच्छे तरीके से काम किया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 24,148, देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसकी बिक देखेंगे आप दोस्तों, जस्ट 24,148 को इसने टच की थी। तो दोस्तों लास्ट में ने सपोर्ट यही बनाया था, तो उसके बाद मार्केट 10 बज के
जैसे कि कितने बजे, 10:38 से मार्केट नीचे की तरफ चला गया और यहाँ पर मेरे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन नहीं थी। तो दोस्तों जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन नीचे तोड़ देता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की थी, मैं चाहता तो कर सकता था। दोस्तों यहाँ पर जो नीचे है ये दोस्तों 27 तारीख की लाइन ड्रॉ है, 27 तारीख की मार्केट की ड्रॉ है। अगर मार्केट इधर आता है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे, लेकिन आज अपन इन सबको हटाकर नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन में ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए और बैक टेस्टिंग कीजिए कि मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें कितना काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दोबारा आपको बताता हूँ कि दोबारा से ड्रॉ करके कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें बना के आपको बता। तो फ्रेंड आज मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बताता हूँ नीचे से, दोस्तों मैं ऊपर की तरफ बताऊँगा तो आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा है 51,576। दोस्तों आज आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि कल से थोड़ा आज अच्छा दिखेगा। अगर आपको ये नंबर साफ नहीं दिखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं रोज़ इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया करूँगा, आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं फिर बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि 1 मिनट में 2 मिनट में कैंडल इतनी बड़ी आ जाती है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि हमारा पूरा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों आज 29 नवंबर है और दोस्तों इस समय मैं आपको आखिरी कैंडल दिखा देता हूँ क्योंकि तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे 29 नवंबर 2024 9:39 हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आपको जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और अगर आप और भी चाहेंगे तो अभी तो मैं सिर्फ 2 ही इंडेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें बना रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो मैं और भी इंडेक्स में आप सजेशन देंगे, कमेंट करेंगे तो मैं और भी इंडेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाना सिखा दूंगा। दोस्तों इन लाइनों को बना के आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे मूव आपको मिल जाते हैं, शुरू में छोटे छोटे मूव लेना चाहिए तो जिससे आपकी ट्रेडिंग की जो ट्रेडिंग करते हैं आप उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, सबसे पहला है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बताएंगे अपन 51,576 और दूसरा है 51,671 और तीसरा है दोस्तों 51,770 और चौथा है 51,871, 51,983 और 52,089 और उसके बाद है दोस्तों अपना 52,103, 52,185 और 52,273, 52,386, 52,486 और 52,559 और 52,754। तो ये थे दोस्तों अपने बैंक निफ्टी में अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें दोस्तों। तो मार्केट आज यहीं पर मूव करेगा और आप इसको अच्छी तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें अच्छी तरीके से काम करती है दोस्तों, अपन को सिर्फ पैसा बनाना है। तो दोस्तों सब पैसा बनाने के लिए अपन को पहले सबसे पहले छोटे छोटे मूव कैप्चर करने पड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि बड़ा मूव कैप्चर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे दोस्तों वीडियो को देखिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों को देखिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मेरे 100% सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे, लेकिन 99% दोस्तों मेरे काम करते हैं। तो दोस्तों छोटा छोटा मूव लेते हैं, अगर आप 100-100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, तो ये ऑप्शन में बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मूव माना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अब अपनी बारी है निफ्टी 50 में। तो चलिए निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड अपन निफ्टी 50 में आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की है, ज़्यादा नहीं की है, मैं आपको अभी सिर्फ बता ही रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे कि और लंबे लंबे ड्रॉ नीचे तक कर दें, ज़्यादा ड्रॉ करने से दोस्तों ये होता है कि ज़्यादा ड्रॉ करने से
ज़्यादा ड्रॉ करने से आप फिर दूसरे दिन वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन आपको पर डे देखना है, क्योंकि सपोर्ट और स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे काम करना बंद कर देते हैं। मार्केट डे के हिसाब से रहता है दोस्तों, तो जैसे जैसे अपन हर पर डे जो नया सपोर्ट और स्ट्रेंथ बनाते हैं ये लोग, तो उस पर ध्यान देना पड़ता है, और पुराने होते जाते हैं वैसे ही उतना कम काम करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये 29 तारीख है, आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है, यहाँ पे देखिए 29 नवंबर 2024 9:15 दिखा रहा है, लेकिन अभी टाइम हो गया है दोस्तों, आखिरी कैंडल पे दिखाता हूँ 29 नवंबर 2024 9:43 पर। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले अपने ड्रॉ कर लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें, और दोस्तों आपको कमेंट ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने लाइक और कमेंट्स आएंगे दोस्तों उतना मेरा मतलब अच्छा रिस्पांस दूंगा मैं वीडियो में, और मेरी सर पावर भी बढ़ेगी आपके लाइक और सब्सक्राइब से कि मेरा वीडियो पसंद आता है। तो दोस्तों मैं आगे बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा, इसमें सीखने के लिए कुछ एक चीज़ें नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख के इन सपोर्ट रेजिस्टेंसों को हमेशा के लिए नहीं काम करते दोस्तों, ये कुछ दिनों तक काम करते हैं और 2-4 दिन बाद नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बना लेता है, और पुराने भी काम करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है पुराने नहीं करते हों। चलिए सबसे पहले मैंने इसमें एक अच्छा खासा लंबा पोजीशन बना दिया है दोस्तों, इसलिए बना दिया है कि मार्केट दोस्तों अभी 24,000 पे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैंने 24,000 23,470 से स्टार्ट किया, अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगर यहाँ तक गिरता है तो दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे। इसी तरीके से मैंने ऊपर तक भी ड्रॉ कर दिए हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो नोट कर लीजिए। सबसे पहला है अपना दोस्तों ये है 23,470, 23,540, 23,608, 23,683, 23,765, 23,828 और 23,884 और 23,915, 23,956 और 23,988, 23,988 और 24,013 और 24,035, 24,059, 24,080 और 24,103, 24,123, 24,156, 24,188, 24,213 और 24,241, 24,266, 24,293 और 24,320, 24,353। तो दोस्तों ये अपने निफ्टी 50 में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अपन दोस्तों कल मिलते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आप बताना, देखिए ये दोस्तों मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने, जैसे कि ये 24,000 अपनी लाइन है 24,013, तो दोस्तों यहाँ 24,000 की 13 की जो अपनी लाइन है ये काफ़ी मतलब काफ़ी समय बिताया है मार्केट ने यहाँ पर। आप सोचिए दोस्तों कि मार्केट इतने आपको जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो बड़े बड़े आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए दिखाते हैं दोस्तों क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट जब इतना छोटा 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 मूव देती है, क्यों देती है मार्केट इतना छोटा छोटा मूव इसलिए देती है कि कोई भी जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करता है दोस्तों वो कमा ना सके। तो दोस्तों जब कमाएगा नहीं तभी तो इनका जो सेलिंग कर रहे हैं उनका फ़ायदा रहता है। तो दोस्तों वो छोटे छोटे अपन को मतलब छोटे छोटे अपन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े अगर आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, और मार्केट जैसे मान के चलिए वहाँ से वहाँ तक मूव उसने कर भी दिया और समय अधिक लगाया, तो आपका थीटा जो है वो डीके होता रहता है जिससे आप पैसा कमा नहीं सकते। मार्केट बढ़ भी जाता है लेकिन फिर भी नहीं कमा सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखना, ये देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है 9:26 पर, और यहाँ से देखिए 9:29 पर, ये 3 कैंडल इतनी बड़ी आई है। अगर मूव आता है दोस्तों तो मार्केट कैंडल ग्रीन ग्रीन बना बना के अच्छा खासा मूव दे देती है। तो दोस्तों यहाँ तक देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से जैसे कि अपना टारगेट लगता 23,956 से, अपन जैसे कि मान के चलिए 23,988 का ही लगाते तो अच्छा खासा मूव ले सकते थे, मतलब 30-40 पॉइंट का मूव ले सकते थे। और यहाँ से देखिए दूसरी कैंडल बनाई उसने हाल तुरंत, और तीसरी कैंडल में ये थोड़ा इसने इस लाइन पर समय बताया, और चौथी कैंडल थोड़ा ऊपर बनाया।
तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अपन छोटा छोटा मूव कैप्चर करके अपनी ट्रेडिंग की जो ट्रेडिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और अगले दिन देखते रहिए। और दोस्तों मैं शायद हो सकता है शाम को भी वीडियो डालूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो दोस्तों आप उसको देख कर कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों सेबी का कहना है कि 10 में से 9 जने अपना पैसा लूज कर रहे हैं, तो दोस्तों अपन को ऐसा नहीं करना है। पहले मेरे जो बताए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं उसको बैक टेस्टिंग कीजिए, जैसे मतलब समय निकल भी जाता है। तो दोस्तों उस तारीख का आप निफ्टी में जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के आप देख सकते हैं, 1 मिनट के चार्ट पर, दोस्तों 1 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं कि मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मतलब क्लियरिटी कितनी है, कितना काम किया है इसने। आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।